क्या केशव प्रसाद मौर्य और योगी में सब कुछ ठीक है? क्या डिप्टी सीएम और सीएम में सब ठीक चल रहा है? केशव हारे अपना जिला, योगी की गोरखपुर में जीत। मीटिंग में फिर से नदारद दिखे डिप्टी सीएम केशव। 72 घंटे में योगी की दो कैबिनेट मीटिंग, दोनों से गायब दिखे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। जब से ओबीसी वोटरों ने छोड़ा है बीजेपी का साथ, क्या बढ़ गए हैं पिछड़े नेताओं के बीजेपी में भाव? तस्वीरें सब कुछ बोलती हैं, ये तस्वीर भी बोल रही है। 72 घंटे में योगी की बैठक से दो बार डिप्टी सीएम नदारद दिखे। सिलसिलेवार से समझते हैं पूरी घटना को, फिर समझ में आएगा कि क्या यूपी में योगी के खिलाफ कोई एजेंडा आज भी चल रहा है। पहले आपको दो लाइन में खबर बताते हैं, फिर आपको समझाते हैं ये चल क्या रहा है। 16 आने सच खबर क्या है? चुनावी नतीजों के बाद से केशव प्रसाद मौर्य योगी की कैबिनेट मीटिंग में दिखाई नहीं दे रहे। पहले 8 जून की बैठक में दोनों डिप्टी सीएम नहीं थे। 3 दिन बाद यानी 11 तारीख को योगी की कैबिनेट बैठक में ब्रजेश पाठक आते हैं, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य फिर से नहीं आते। उनकी कुर्सी खाली रहती है, हो सकता है तबियत खराब हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल संदेह नहीं हो रहा है, क्योंकि 7 तारीख को बीजेपी संसदीय दल की बैठक में केशव प्रसाद मौर्य को खुश देखा गया था, मोदी को गुलदस्ता देते देखा गया। फिर अचानक से वो ना मीडिया के सामने आ रहे, ना ही वो कहीं दिखाई दे रहे। जिस वक्त सुबह 10 बजे योगी कैबिनेट की बैठक कर रहे थे, उस वक्त केशव प्रसाद मौर्य नहीं आए, लेकिन वो सोशल मीडिया पर एक्टिव नजर आए। उनके ट्विटर पे एक पोस्ट उसी समय किया गया जिसमें वो एस जयशंकर और नरेंद्र मोदी का वीडियो पोस्ट शेयर करते हैं, जिसमें लिखते हैं मिशन मोड पर मोदी जी। उनके सोशल मीडिया के अकाउंट को स्क्रॉल करके देखते हैं तो पता चलता है कि वो योगी सरकार के किसी फैसले का जिक्र नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ मोदी मोदी कर रहे हैं। तो क्या यूपी में सब कुछ ठीक नहीं है? क्या कहानी बन रही है जो आपको नहीं समझ में आ रही है? क्या चुनावी नतीजों में कुछ छिपा है जिसे आप नहीं देख पा रहे हैं? अब तस्वीरों को ध्यान से देखते हैं। योगी का एक्शन लगातार जारी है। यहाँ केशव प्रसाद मौर्य नहीं आए, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक आते हैं, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य नहीं आते। अब जरा इस तस्वीर को रोकते हैं और कुछ सवाल पूछते हैं। केशव प्रसाद मौर्य कौशाम्बी से अपना विधानसभा चुनाव भी हारे, पर दिल्ली बीजेपी ने उन्हें डिप्टी सीएम बना दिया, क्योंकि वो पिछड़ा समाज से आते हैं और बीजेपी के पास पिछड़े चेहरों को आगे रखने की मजबूरी है। केशव प्रसाद मौर्य की लोकसभा सीट भी बीजेपी हार गई, लेकिन वो कैबिनेट की मीटिंग में नहीं आते। तो क्या योगी ने ही केशव को लेकर कोई सवाल दिल्ली नेतृत्व के सामने उठा दिया है? कहा जाता है कि बीजेपी अखिलेश यादव के सामने केशव को एक विकल्प के तौर पे देखती है, लेकिन ये क्या हो गया? यहाँ तो केशव दोनों चुनाव नहीं बचा पाए, ना तो विधानसभा में खुद को जीत दिला पाए और ना ही लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सांसद दिला पाए। कहानी में क्या नया है? कैसे समझा जाए कि बीजेपी में सब कुछ ठीक है, क्योंकि ये खबर हवा की तरह बहने लगी है। खबर है कि योगी के काम करने के तौर तरीके से केशव हमेशा नाराज बताए जाते हैं। पहले कार्यकाल में भी केशव और योगी की खुलकर बातें सामने आई थी, लेकिन चुनावी नतीजों के बाद भी केशव का कैबिनेट मीटिंग में नहीं आना कुछ बड़ा इशारा करता है। डिप्टी सीएम वाला फॉर्मूला कहीं भी हिट नहीं रहा। बिहार में भी जब डिप्टी सीएम बनाए गए तो जेडीयू और बीजेपी में दोस्ती टूट जाती है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, अशोक गहलोत सीएम थे, सचिन पायलट डिप्टी सीएम, लेकिन कई बार लड़ाई खुलकर सामने आई। तो क्या यूपी में भी कुछ ऐसा ही होने जा रहा है? योगी के सामने केशव कब तक टिकेंगे, ये सवाल भी राजनीतिक गलियारों में चल रहा है। बाबा के एक्शन से बीजेपी में हड़कंप, क्या कई नेता पार्टी छोड़ने वाले हैं? संगठन से लेकर सरकार तक भूचाल, योगी के साथ काम करने का फरमान किसने दिया है?